हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पैकेज वन की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। एक न्यूज़ थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे अप्रैल 2024 तक ऑपरेशनल होगा। उस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है क्या है वो नहीं पता अभी, लेकिन अभी देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे कितना काम हुआ है। यहाँ पे ये रोड बनने की वजह से जो ट्रैफिक कंजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और व्हीकल्स की स्पीड भी बढ़ गई। अब ये देखिए वो कार कितने शानदार स्पीड पे जा रही है, अब वो 100। यहाँ देखिए पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे लाइन पे था और बीच में काफी पेड़ थे, तो ये जो जगह है इसको अभी प्लांटेशन किया जाएगा। इस पे अभी आधा डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे नीचे इसके सैलो टनल्स है। और पूरा रोड का आउटलुक देखिए कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पे साइड में जो रोड है इसको ब्लैक टॉप नहीं किया गया, यहाँ से कापाचेड़ा के लिए रास्ता जाता है वो कनेक्ट हो जाता है गुड़गांव के लिए। अगर राइट हैंड साइड से जाएंगे, कुछ दिनों पहले तक ये सैलो टनल्स नहीं थी, अब बन के तैयार हो गई। सरफेस रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे एक बस स्टॉप है, पूरा एयरपोर्ट यहाँ से विजिबल होता है। यह है पैकेज वन द्वारका एक्सप्रेसवे का। जो सबसे पीछे था ये नाम सौ नंबर पैक में, लेकिन अब स्पीड पकड़ चुका है ये भी। जब तक रोड नहीं बन जाता डाइवर्जन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रोड बनने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट रोड हो जाएगा। दो तरफ डिवाइडर लगा के रखा अपना बच्चा है, क्योंकि ये जो डिवाइडर है इनके अंदर हैवी जो मशीनरीज है वो डिप्लॉयड है। वीडियो बनाते हुए यहाँ पे देखिए ये एक और ब्रिज
जब हमने पहले अपडेट किया तो इसका इसके सेगमेंट्स लग रहे थे। अब देखिए इसके रैंप का काम भी कंप्लीट हो चुका। केवल दो पिलर हैं जिनके बीच में सेगमेंट लगना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये। दिल्ली था, अब कुछ दिनों बाद न्यू दिल्ली बन जाएगा। न्यू दिल्ली इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे डाइवर्जन भी है और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी है और ये रोड आगे जाके NH-48 में मिल जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा कनेक्ट NH-48 में, जिसके पर एरिया एक दिन कनेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है। ये पुराना रास्ता है जो द्वारका की साइड जाता था। रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने, पहले ये ओपन था पब्लिक के लिए लेकिन अभी ये बंद है। हम देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक ले जाके दिखाएंगे आपको। यहाँ देखिए ये यहाँ तक ये रास्ता ओपन है, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। एज पर द न्यूज़ ये अप्रैल में पॉसिबिलिटी है इस हाईवे की ओपन होने की, अप्रैल 2024 सॉरी। तो ये अपने प्रोजेक्टेड जो डेट है जिस पे डिलीवर होने वाला था उससे थोड़ा डिले है, तो डिले होने की रीज़न हम जान सकते हैं क्योंकि काफ़ी हैवी वर्क है और काफ़ी समय तक ये, जैसे अगर अभी पोल्यूशन वाला पंगा चल रहा है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो पैमाने हैं उन पे काम करना पड़ता है इनको, तो उससे वर्क थोड़ा होल्ड होता है, उससे काम रुकता नहीं है लेकिन धीमा पड़ जाता है। तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो एक्टिव हो जाती है। ये एक रोड था जो NH-48 से द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला था। ये वाला से जो ब्रिज देख रहे हैं आप ओवर ब्रिज, यहाँ
यहाँ पे देखिए काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस पे काम। काफ़ी हैवी वर्क है, हैवी मशीनरीज डिप्लॉयड है।